शांति रखेंगे तो हम बोलेंगे जी सर, बोलिए। अगर आप लोग जी सर बोलिए बोलिए, शांति रखिए जी सर बोलिए। बोल दिया हाँ, हम अपना लड़ाई क्या कर रहे हैं? वोट ने ऑर्डर दिया है। आज क्या हुआ सर? न्यायालय में मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हुई और पिटीशन अलाउ हो गया है और विपक्षी को नोटिस जारी करने का आदेश हो गया है। कब हुआ सर अगली सुनवाई? 8 जनवरी। इस पूरे मामले में सर क्या होगा आगे अगली सुनवाई? देखिए, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। विपक्षी के एपीआर होने के बाद ही आगे प्रोसीड करना है। क्या होगा नहीं होगा एपीआर होने के बाद कहा जा सकता है। हाँ, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी आपने कहा ना सर, हम कहा तो कि विपक्षी एपीआर हो जाएंगी, उसके बाद रिकॉन्सिलेशन होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। संबंध को पहले बनाए रखने की बिल्कुल हमेशा प्रयास न्यायालय का, सभी व्यक्तियों का यही ध्येय होता है कि पहले बिछड़े नहीं, लोग संयुक्त रूप से रहे। तेज प्रताप का क्या स्टैंड है? तेज प्रताप तो चाह रहे हैं कि हम डाइवोर्स ले लें। अगली सुनवाई 8 जनवरी। आए थे कोर्ट में, आए थे, क्या क्या हुआ? उनको क्या करना था? उनको तो उपस्थित होना था, करना तो उनके अधिवक्ता को था। अकेले रूम में उनको ही नहीं बुलाया गया, उनके अधिवक्ता को बुलाया गया और पिटीशन के सुनवाई के लिए बुलाया गया था, न कि अकेले में उनका चेहरा देखना था। 8 जनवरी को क्या? 8 जनवरी को विपक्षी एपियर होंगे, रिकॉन्सिलेशन होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। कोर्ट की क्या प्रोसेस हुआ और क्या हुआ रिकाउंसिलिंग? कोर्ट में आज सुनवाई के लिए समय निर्धारित था और वहाँ उपस्थित हुए, यहाँ तक कि आवेदक भी उपस्थित हुए और उसके बाद बंद कमरे में ले जाकर के अलग से सुनवाई, क्योंकि कोर्ट में काफ़ी भीड़ थी और ये सेक्रेट मैटर रखना था, इसलिए भीतर जाकर के सुनवाई हुई। और ये हमारा जो मेंटेनेबिलिटी का पिटीशन था उस पर सुनवाई हुई और वो हमारा अलाउ हो गया, विपक्षी को नोटिस जारी करने का आदेश हो गया है। अगला तारीख 8 जनवरी को रखा गया है, उस दिन विपक्षी अगर एपीआर होंगे तो रिकॉन्सिलेशन होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। यानी कोर्ट ये चाहता है कि एक झटके में ये तलाक अर्जी स्वीकार न हो। कोर्ट ये नहीं चाहता है बल्कि यही कानून में यही व्यवस्था है कि किसी को तुरंत बिछड़ा नहीं दिया जाए, पहले कोशिश किया जाए समझौते और मेल मिलाप कराया जाए, उसके बाद जो कुछ होना होगा होगा। लेकिन तेज प्रताप का रुख क्या था? आप उनके वकील हैं? अभी तो उनका रुख है कि हम तलाक लें। समझौते की उनके समस्या भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। अब विपक्षी के आने के बाद जो समझौता के आधार पर बात होना चाहिए होगी और मेल मिलाप हो सकता है।